पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं दक्षिण भारत का इतिहास। जैसे ही हमने गुप्त वंश के बारे में स्टडी किया, तो गुप्त वंश में आपने देखा कि गुप्त वंश में अलग अलग शासक आए, तो उसके बाद ये छिन्न भिन्न हो गया। उसी तो छिन्न भिन्न होने का मतलब यानी कि छोटे छोटे शासकों में बट गया था। अब हम जो हैं नेक्स्ट दक्षिण की तरफ चलते हैं कि दक्षिण भारत के इतिहास किस प्रकार से रहा है। तो दक्षिण भारत के इतिहास को हम देखते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो दक्षिण भारत का इतिहास जो है वो 100 से लेकर 1200 ईस्वी तक के का समय लिया है, जिसमें 100 से लेकर 300 को हमने संगम काल कहा है और था जैसे हमने इसको मैं पढ़ रहे हैं, और 500 से लेकर 1200 को दक्षिण भारत का हमने राजवंश उठा रहे हैं। तो सबसे पहले संगम काल में जो चेर चोल और पांडे आए थे, ये केरला की बात कर रहे हैं हम, साउथ साइड में, तो केरला साइड का बात कर रहे हैं। तो चेर चोल और पांडे आए थे और बाद में जो है पल्लव राष्ट्रकूट और चालुक्य वंशों के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखें हम इसके बारे में, तो सबसे पहले जो है संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है। संगम जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सभा यानी कि असेंबली, और संगम काल का समय जो है वो 100 से लेकर 300 का मध्य का समय माना है। जैसे मैंने आपको बताया था प्राचीन काल में जो है तमिल कवियों ने के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था या करवाया जाता था, यानी कि सभी को इकट्ठा बिठा कर सभाएं की जाती थी। इन्हीं कवियों द्वारा कई तमिल साहित्यों ने जो है या कारों ने जो है रचनाएं की हैं तमिल में, उसको हम संगम साहित्य भी कहते हैं, ठीक है जी। अब ये जो संगम साहित्य में प्रथम संगम जब हुआ था तो मदुराई तमिलनाडु में हुआ था, तो इसके अध्यक्ष जो थे ऋषि अगाती यार थे। वैसे द्वितीय संगम जो है कपाटपुरम अवैल्य में हुआ था। इसी भाषा प्रकार से तीसरा जो संगम है वो भी मदुरई तमिलनाडु में हुआ था, इसीलिए मदुरई में जो है बहुत ज्यादा मंदिर है, तो मंदिरों का घर या शहर भी इसी को कहा जाता है। तो तीनों संगम की जो जानकारी है वो यहां से हमें मिली थी। जैसे आप देख सकते हैं तीनों संगमों के बारे में, तो देखिए कि कृष्णा नदी के एक तट पर थे ये चोय चेर चोल और पांडे, ठीक है। तो संगम युग में दक्षिण भारत के तीन जो राजवंश थे चेर चोल पांडे का शासन था, इनके राज्यों के बारे में जो जानकारी है वो संगम काल में ही मिली है। और मैंने जैसे आपको बोला है कि ये कृष्णा नदी के किनारे पर थे, तो इनको हमने तीन भागों में बांटा है चेर चोल और पांडे में। तो चेर के बारे में देख लीजिए, सबसे पहले संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन वंश कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। ये पर्वतीय देश है, ठीक है, तो इसलिए चेर था। अगला आता है केरल का प्राचीन नाम क्या था, तो चेर था। देखिए केरला का पुराना नाम क्या आया, चेर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जो चेरों का जो राजधानी थी वो वंजी या करूर को बनाया गया था, और इंद्रधनुष जो था, ठीक है, उसको इन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह बनाया था। इतिहासकारों ने या इतिहास में चेर कवियों को शेर भटनम, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सबसे प्रतापी राजा माने गए हैं, यानी कि चेरों में जो है सबसे प्रतापी राजा थे। कौन से थे, लाल चेर या शनगुन वट्टवन, और कण्वी पूजा यानी कि पत्नी पूजा की शुरुआत भी जो है वो इन्हीं लाल चेरों के द्वारा की गई थी। चेर वंश की एक और प्रसिद्ध राजा जो है आदि गेमान थे। आदि गेमान जो है दक्षिण भारत में गन्ने की जो खेती करने की जो है शुरुआत करने का भी श्रेय इन्हीं को, आदि गेमान को ही जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा चोल वंश। दक्षिण भारत का बेहत या बरहत के इतिहास में जो है चोल वंश प्रसिद्ध था,
चोल वंश का इतिहास तीसरी शताब्दी में देखने को मिला हमें। बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण इनका पतन हो गया और नौवीं शताब्दी में इनका फिर से उदय हुआ। चोल वंश ने की जानकारी जो है पाणिनी की, ये पाणिनी की अष्टाध्यायी पुस्तक का नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कई बार आता है, देखिए पाणिनी जो है ये इन्होंने व्याकरण के भी रचिता हैं, संस्कृत व्याकरण के, ऐसे इनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी की रचना भी पाणिनी के द्वारा की गई है। उन्हीं के द्वारा जो है चोल वंश की हमें जो है जानकारी मिली। चोलों ने मंतूर, उरैयूर और जनाबुर को भी अपनी राजधानी बनाया अलग अलग, मगर इनका जो चिन्ह था, ठीक है, प्रतीक चिन्ह, वो बाघ था। और चेर का क्या था कमेंट करना जरूर बोले, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताएं आप कि चेरों का क्या था। वीडियो स्किप नहीं करनी भैया, एक बार जरूर देखिए कि आपको कितना याद रहता है। नेक्स्ट है चोल वंश के प्रमुख दो शासक थे, एक थे करिकाल और एक था एलारा। तो हम बारी बारी देखते हैं। तो करिकाल यानी कि चोलों का पहला महानतम शासक था, जिसने कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया था और प्रसिद्ध कुहार बंदरगाह यानी कि कावेरी पट्टनम के का निर्माण भी इन्हीं के करिकाल ने ही करवाया था। और एलारा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक वहां पर शासन किया था उन्होंने, ठीक है जी। पांड्य वंश की जो जानकारी है वो हमें मैक्सनीज की इंडिका पुस्तक में मिली है। आप नोट करें इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैक्सनीज जो है वो इसके लेखक थे। पांड्य राजाओं ने तीनों संगमों की जानकारी हमें दी है, संगम तीन हुए थे, तो आपको मैंने जैसे वन बाय वन बताए थे। पांड्य वंश मात्र सत्तात्मक था, ठीक है जी, इसकी राजधानी मदुरई थी तमिलनाडु में, और इसका प्रतीक चिन्ह जो है इन्होंने अपना मछली बनाया था। आप लर्न कर सकते हैं साउथ में मछली ज्यादा है, तो इसलिए लियों को ही इन्होंने अपना बनाया। और जो समुद्र की पूजा है कि समुद्र की पूजा की जानी चाहिए, तो इसकी जो शुरुआत है वो नेडियोन शासक जो था इस वंश का, तो उन्होंने ये शुरुआत की थी इसकी। और मोतियों के लिए भी ये काफी प्रसिद्ध था राज्य। इसके बाद जो है संगम काल का प्रमुख साहित्य जो थे वो थे कोली पलिकम जो कि तोल कापियर थे, शिल्पी कारम यानी कि अलांगो आदित्यगलम थे, और तमिलों में प्रमुख देवता जो थे वो मरुगन थे। तो ये था दक्षिण भारत का इतिहास जो कि मैं आपके सामने लेकर आया चेर और चोल के बारे में। अब मैं आपके लिए लेकर आऊंगा नेक्स्ट इतिहास जो कि है राष्ट्रकूट वंशों के लिए, तो उसके साथ आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो है मूव करिए और वन बाय वन सभी वीडियोस को हमारी देखिए एक बार, और फिर इसके बाद जो है आप सभी क्विज लगाइए, तो आपकी जो मोटिवेशन है जो आपको लर्न हुआ है वीडियो से, आप खुद को चेक कीजिए कि इंप्रूवमेंट कितनी आ रही है। तो इस प्रकार से मिलते रहिएगा हमारे साथ, बने रहिएगा विजयपथ एजुकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।